मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कीले गाड़ रहे हैं वगैरह, ये सारे तार लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि किसानों के आंदोलन को हम रोक रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सरकार के ही ताबूत में कील साबित होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कविता कृष्णन, CPIML की नेता। सबसे पहले आपसे सवाल सीधा, बॉर्डर पर कांटेदार तार लगाए गए, कीलें बिछाई गईं, 8-10-20 लेयर की बैरिकेटिंग की गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गईं, आज आपको रोकने के लिए भी यहाँ ये सारे इंतज़ाम किए गए हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया इन इंतज़ामों पर क्या है? देखिए, मुझे लगता है पूरी दुनिया देख रही है भारत को, और मोदी सरकार पूरी दुनिया को दिखा रही है कि हम कैसे, किस तरह से हम यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है सरकार द्वारा। ये चीज़ मोदी सरकार पूरी दुनिया को दिखा रही है। अगर हम इस बात को कहते, इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से मोदी सरकार खुद ही करके दिखा रही है पूरी दुनिया के सामने। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कीले गाड़ रहे हैं वगैरह, ये सारे तार लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि किसानों के आंदोलन को हम रोक रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सरकार के ही ताबूत में कील साबित होगा, क्योंकि किसान को दुश्मन बना करके, किसान के खिलाफ युद्ध छेड़ करके भारत में कोई सरकार बच पाएगी, भारत की कोई सरकार बच, ये मुझे नहीं लगता। इसलिए क्योंकि भारत का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जो शहरी नागरिक होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं खेती किसानी से कहीं जुड़ाव होता है, कहीं ना कहीं किसी गांव से, किसी खेत से जुड़ाव होता है। तो इसलिए, और सब जानते हैं कि खाते तो सब लोग हैं, खाने का दाम बढ़ेगा अगर ये 3 कानून लागू हुए, ये बात सब समझ रहे हैं। राशन खत्म हो जाएगा क्योंकि सरकारी खरीद खत्म हो जाएगी, ये बात सब समझ रहे हैं। तो इसीलिए पूरा देश किसानों के साथ है, और सरकार एक तरह से देश के खिलाफ खड़ा हो गया ना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था 26 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ लाल किले पर, ITO पर, उसके बाद ऐसा लग रहा था किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत जब रोए उसके बाद आंदोलन में, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर तो मजबूती आई। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, टीकरी बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, और हल्का फुल्का नज़ारा गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और वहाँ फेवर में लोग खड़े हो गए किसान बिल के? नहीं नहीं नहीं, फेवर में तो किसान तो बिल्कुल ही नहीं खड़े हुए, वहाँ संघ के लोगों को भेजा जा रहा है अपनी ड्यूटी पर कि वो जाएं। जा रहा है लोकल के लोग हैं, वही कह रहे हैं। तो मनदीप पुनिया जब बता रहे थे कि ये लोकल नहीं है, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो मनदीप पुनिया को इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया, जो तथाकथित लोकल थे जो पत्थर के साथ घुस रहे थे, वो संघी गुंडे हैं, वो दिखा रहे थे मनदीप। पुलिस ने जो है पत्थर लेकर के जाने वालों को नहीं रोका, लेकिन मनदीप पुनिया को पकड़ लिया जो पत्रकार हैं। तो इससे तो सच्चाई पता चल जाती है। और मैं खुद सिंघू टिकरी दोनों जगह टच में हूँ लोगों के साथ, गाजीपुर में भी। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ तो ज़्यादा मजबूती आ गई है। वो मुझे कुछ साथियों ने बताया कि कुछ किसान लोग जो थोड़ा डर गए थे 26 को, वो घर लौटे पंजाब अपने गांव, तो गांव के लोगों ने कहा कि अब आप जो है अभी खाओ पियो और सुबह सुबह फिर निकल जाना, बिना जीते मत लौटना, भले 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 मने आप लाश लेके लौटो, कुछ लेके लौटो, लेकिन ऐसे नहीं लौटना है, हार के नहीं लौटना, डर के नहीं लौटना है, हमारे गांव का जो है नाक काट रहे हैं आप करके वापस भेजा। लोग फिर पब्लिक और पब्लिक के साथ गए, बोले कि अच्छा आप अकेले मत जाइए, हम और लोग साथ आते हैं।